नमस्कार, यूपी खबर स्पेशल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं द दस्तक 24। खबर देखेंगे इटावा बरेली पीलीभीत से। पहली खबर है इटावा से। यहां जनपद में बसरेहर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत हरनाथपुर के नगला छत्ती में उस समय हड़कंप मच गया जब गेहूं की फसल में अचानक आग लग गई। धुंधू कर जलती फसल और दौड़ते भागते ये लोग व्याकुल दिख रहे हैं। आगजनी की घटना के बाद मामले की जानकारी दमकल विभाग को दी गई, लेकिन दमकल मशीन देरी से पहुंची। तब तक करीब 30 बीघा फसल जलकर नष्ट हो चुकी थी। दमकल के लेट पहुंचने से किसान आक्रोशित हो गए और मशीन से आग न बुझाने की बात करने लगे। दमकल को लोग काम नहीं करने दे रहे, क्यों लेट आई है वजह से। अगली खबर है बरेली से। इस्लाम और पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी पर विवाद गहराता जा रहा है। बरेली में भी मुस्लिम समुदाय के लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं। आज बरेली में कोरोना प्रतिबंध के बावजूद हजारों की संख्या में जुलूस निकालकर दो संगठनों ने उच्चाधिकारियों को ज्ञापन दिया और महंत के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हमारे सहयोगी नंदकिशोर मौर्य के मुताबिक संगठनों के पदाधिकारियों ने कहा कि लगातार एक विशेष धर्म के लोगों को निशाना बनाकर उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, वह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इससे पहले भी तमाम लोगों ने इस तरीके की विवादित टिप्पणी की है जो कि काफ़ी शर्मनाक है। आज की अंतिम खबर पीलीभीत से। यहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने हेतु नामांकन स्थलों का जिलाधिकारी पुलकित खरे और पुलिस अधीक्षक क्रीट सिंह राठौर ने नामांकन स्थल ललौरी खेड़ा व अमरिया की बैरिकेडिंग व्यवस्था का किया औचक निरीक्षण। आज पुलिस अधीक्षक महोदय के साथ मैंने अन्य अधिकारियों के साथ यहाँ पे अमरिया ब्लॉक परिसर में जो नामांकन की प्रक्रिया 13 और 15 तारीख को होनी है उसको लेके सभी व्यवस्थाएं जो हैं उनका जायज़ा लिया गया। किस तरीके से प्रत्याशी और एक प्रस्तावक आयोग द्वारा अलाउ करे गए हैं, जो 200 मीटर का दायरा हम लोग डिफाइन करेंगे, वहाँ बैरिकेडिंग लगेगी और उसके बाद वहाँ से सिर्फ प्रत्याशी और उसका एक प्रस्तावक अंदर आ सकेंगे। अंदर आने के बाद किस तरह से कोविड प्रोटोकॉल्स का खासकर पालन करना होगा, परिसर के अंदर किस तरह से अलग अलग न्याय पंचायतवार व्यवस्था बनाई जाएगी जहाँ पे आरओ एआरओ बैठ के नामांकन पत्र लेंगे, उनके देखेंगे, उनको सही तरह से दाखिल कराएंगे। इसी सब को देखते हुए यहाँ पे ब्लॉक पे जो आरओ साहब नामित हैं, एसडीएम साहब हैं, ब्लॉक के अधिकारीगण हैं, उनके साथ चर्चा करी गई। यहाँ जिलाधिकारी ने बताया कि एक प्रत्याशी के साथ एक प्रस्तावक को ही नामांकन के दौरान प्रवेश दिया जाएगा। प्रत्येक नामांकन स्थल पर दो स्थायी मजिस्ट्रेट नामित किए गए हैं जो परिसर में उपस्थित रहकर सुव्यवस्था व कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन कराएंगे। इसी के साथ ही उपस्थित समस्त अधिकारियों को टीम भावना के साथ कार्य करते हुए निष्पक्ष और अनुशासन के साथ कार्य करते हुए नामांकन प्रक्रिया पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। यूपी खबर स्पेशल में इतना ही। बने रहें द दस्तक 24 के साथ। नमस्कार।